next day. Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. So it's 7:30 o'clock and today is my farewell. और पता नहीं कैसे मेरी आंखें सूज गई है. लिटरली देखो कितनी मोटी मोटी हो गई है, पता नहीं क्यों. तो अभी फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि 9 बजे मेरे को घर से निकलना भी है. तो ये रहा मेरा ब्लाउज जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ. दीज आर द हील्स आई एम वेयरिंग टुडे. ये है वीनस स्टेप से. तो गाइज अभी मम्मा आई है मेरे को साड़ी बनाने के लिए. मम्मा आपसे और बड़ी हाइट कैसा हो रहा है सुबह सुबह. मम्मा मेरी खुद आंखें सूजी हुई है पता नहीं क्यों. क्योंकि मैंने तुझे बहुत मारा था रात को. आप नहीं मारते, मेरी भी तो सूज रही है. और आपकी क्यों सूज रही है फिर? जैसे लेट सोते हैं ना हम और फिर जल्दी उठते हैं, वही कारण है. अभी एक घंटे में ठीक हो जाएगा. अभी तो उठ के ना मैंने खाना वाना सब बना लिया है. आज मैं और जल्दी उठी थी कि चीनू को स्कूल जाना है, इसको साड़ी भी पहनानी है और इसके तैयार होने से पहले मेरे को खाना भी बनाना है. इसीलिए कितने बजे सोई थी तू भी? सोई होंगी 2:30 बजे. हाँ तो तू उसके बाद काम कर रही थी अपना और कुछ फिर तैयारियां कर रही थी तो लेट हो जाते तो ऐसा ही होता है. फिर सुबह जल्दी उठना था तुझे भी, तो यही सब रीजन है और सबको पता भी है. चलो कट करो, साड़ी पहनो. तो गाइज मैं रेडी हो गई और सच में भाई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये देखो मेरे इयररिंग्स, ये मेरे हाथ की एक्सेसरीज. मम्मा ये देखो, मम्मा कितना सुंदर लग रहा है देखना. लाया कौन था? आप लाए थे मम्मी. मैं तो सही चीजें लाती हूँ साड़ी देख के. चीनू ने एक अपनी पसंद से ये साड़ी मंगवाई है, ये इसी में कंफ्यूज है आज तक. इसने बांध बेशक ली. अब कह रही है मेरे को कि आप भी बढ़िया लाते हो. और ये उस दिन मेरे साथ गई थी ना शॉपिंग करने, इसको कुछ पसंद नहीं आया. और जब मैं जाती हूँ ना मैं कुछ ना कुछ ला के देती हूँ. ये जो रिंग है, ये जो ब्रेसलेट है, ये सब मैं वैसे ही ले आई थी. एक दिन मुझे पसंद आ गया और मैं ले आई. रिंग तो बर्थडे पे दिलाई थी. हाँ मतलब तो वो भी मतलब बर्थडे पे दिलवाई थी, पर बता रही हूँ एक बात कि मैं सही लाते हूँ भाई. मस्त लग रहा है. चल अब आजा निकल ले. फाइनली ये चीन तैयार हो गई है. ये ले अपना पर्स और जा जल्दी, अब लेट नहीं हो रही तू. योगिता बाय बाय. चलो बढ़िया, चलो निकलो अब. बाय चुंदरी. मैं कैसी लग रही हूँ शुंद्री शुंद्री. तो गाइज मैं घर से निकल गई हूँ. स्कूल वालों ने टाइमिंग लेट कर दी थी क्योंकि आज धुंध है, आज धूप नहीं निकली इसलिए. हाय हेलो योगिता. हेलो. लुकिंग सो सो प्रीटी. थैंक यू थैंक यू. भावना दीदी आप अच्छी लग रहे हो. हाँ अभी हमने आपकी रील लाइक करी है. मैं तो हूँ ही अच्छी. अच्छी नहीं, अच्छी नहीं आज लग रही है बस. अच्छा पर मैं बोल रही हूँ कि योगिता अच्छी है तो. थैंक यू थैंक यू. नहीं भावना भी अच्छी है. आ गई लाइन पे. लाइन पे ही थी भाई मैं तो. भाई अभी हुई है स्कूल के बच्चों की छुट्टी और अब हम घुसेंगे अंदर. हाय सान्या. हाय तान्या. हेलो सान्या. हाय तान्या. चलो बेटा फेस वेलकम. भावना बोलो भाई अपने सीनियर्स को. पानी पानी.
तो ये है मेरे जूनियर्स, ये है 11th क्लास, मतलब 12th बनने वाले हैं। रिया मैम बोल रही है ना, सुन तो ले करी। हम मिस करेंगे दोस्तों के चुराए टिफिन को, हम मिस करेंगे उस मस्ती भरी रिसेस को, मिस करेंगे मिस करेंगे मानसी बहुत मिस करेंगे। फिर मेरा तुमने चुराया है, इप्शिता। इप्शिता आपका नहीं पता मेरे को नाम, निशा मेरा तो इसको पता है, रक्षिता मेरा तो इसको पता है, तान्या हेलो। हम याद करेंगे छुट्टी की घंटी और उस स्कूल वाले बस को। तो 11th क्लास की गर्ल्स है, 11th भाई, इप्शिता तेरी बहन। ये हमारे सीनियर्स, ये देख लो और वो सारे भी सीनियर्स, और ये भी सारे सीनियर्स हैं, देख लो ये सारे सीनियर्स। आओ एक फोटो, स्माइल कर दो, एक अच्छी सी स्माइल। हमारा खाना भी पूरा बारिश बारिश में हुआ है। इसमें केसर मार दूंगा अपना। ओए केसर फोटो ले ले। ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। तो गाइस हमारा फेयरवेल एंड हो गया है, कैसा लगा? बहुत थक गए हैं, बहुत मजे आए, सब बहुत थक गए हैं, टांगों में दर्द। चलूंगी घर से आवे लेने। हाँ कैसा लगा अक्षिता? अच्छा लगा, पर बारिश में होती तो और अच्छा लगता। बारिश हुई तभी तो अच्छा लगा, पर वो गाना नहीं चलाया। अच्छा सान्या, सान्या मेरे को 11th क्लास से फोर्स कर रही है कि भावना तो फेयरवेल पे ब्लॉग बनाएगी, ब्लॉग बनाएगी। अब की बार मैंने याद दिलाया, मेरे को अब की बार याद था, मैंने स्क्रिबलिंग, मैंने स्क्रिबलिंग का भी ब्लॉग बनाया। हाँ जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, जाना पड़ेगा, हमारी स्कूल लाइफ खत्म है, बहुत लास्ट ईयर। लेकिन एडमिट कार्ड लेने हम फिर आएंगे, एक टाइम रख के आएंगे, पीटीएम वाले दिन, पीटीएम वाले दिन भी टाइम रख के आएंगे। पीटीएम वाले दिन एडमिट कार्ड मिलेगा, पीटीएम में भी। हां पीटीएम हो गया, हां कोर्स 2 है उनकी। मैंने तो पेपर ही नहीं दिए, दो ही तो पेपर दिए। पीटीएम की होगी भाई, पीटीएम की होगी, क्योंकि पेपर हुआ है तीनों में फेल हूं, क्योंकि आप। तो गाइस ये मेरी रितु मैम अकाउंटेंसी की टीचर, हेलो, और ये मेरी फेवरेट टीचर है, फेवरेट मतलब जो होता है ना बच्चों की फीलिंग को समझने वाली मैम वो। ये बेटा इनका बड़प्पन है जो ये मुझे इतना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, अदरवाइज मैं जो हूँ एक सिंपल टीचर की तरह बच्चों को टीच करती हूँ और कोशिश करती हूँ उन्हें बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ जो मेरे पास है। पर मैम आप बेस्टेस्ट हो। थैंक यू। ओके मैम बाय, फनी कम बाय, ग्रेट सक्सेस वेट फॉर यू, गो एंड ग्रैब इट। थैंक यू। तो फाइनली हम स्कूल से निकल गए और रास्ते में इतना तगड़ा जाम मिलेगा ना भाई,
तो बारिश हो गई ऊपर से इतना गंदा जम, ऊपर से मैं पूरी भीग गई हूँ पर फिर भी ठंड नहीं लग रही पता नहीं क्यों। तो गाइस ये चीनू घर पर आ गई है अपना, देखो भीग भीग के बारिश में आज मुंह कितना ग्लो हो रहा है। हाँ आज ये बारिश क्यों आई? क्योंकि आज तूने साड़ी पहनी थी इसलिए। आ गई मम्मा घर, मैंने चेंज वेंज सब कर लिया। ठीक करा, मैंने तो बोला था चेंज कर ले। आपने बोला पर आपने किया नहीं चेंज मेरा। खुद से करना होता है। मुँह कितना ग्लोइंग हो रहा है। मम्मा मेरा फेस देखो ना, मेकअप भी उतार दिया जो भी करके गई थी। गुड नाइट। दूसरी रचना रोजा, मेरी दूसरी चीनू है। आप चीनू नहीं लगते पर मैं रचना लगती हूँ, है ना। तो गाइस चलो इस लोगों को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट ठोक देना और चीनू को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। इसका क्या था, फेयरवेल इवेंट आ रहा था मेरे दिमाग में। कुछ भी आता मेरे दिमाग में अचानक से। क्या था, फेयरवेल अच्छे से हुआ, भगवान जी ने बारिश कर दी, चीनू को भिगो दिया। अब कई बच्चों को ठंड भी लगेगी, कई बच्चे सही भी रहेंगे। तो ये आई थी जब बिल्कुल ऐसे सुर 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 कर रही थी। अब व्लॉग बना रही है माथे का या दीवार का। मैं कह रही हूँ कि देखते हैं मुझे ठंड लगती है या नहीं, उसकी अपडेट आपको मम्मी के व्लॉग में मिलेगी। ये बाय। तो चलो भाई बाय, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मेरे यार मेरा प्यार मेरा परिवार सारे कलाकार जान मेरा परिवार सारे।